महात्मा गांधी के सिद्धांतों एवं आचार्य विद्यासागर महाराज की प्रेरणा में उनके प्रवचनों में शामिल उदारता दान की भावना को पूरा कर रहे हैं। खातेगांव के प्रोफेसर डॉक्टर अभय जैन ने पीएचडी की हुई है। खातेगांव के शासकीय कॉलेज में पिछले कई सालों से वह प्रोफेसर रह चुके हैं और वर्तमान में डॉक्टर अभय जैन खातेगांव और सतवास कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य भी हैं। डॉक्टर अभय जैन नगर की सड़कों पर विचरण करने वाले कई बेसहारा गायों को प्रतिदिन नगर में घूम घूम कर रोटियां खिलाते हैं। डॉक्टर जैन कहते हैं कि गाय को हम भारतवासी गौ माता कहते हैं, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। अतः गौ सेवा परमात्मा की सेवा से कम नहीं है। जैन ने इस कार्य की शुरुआत 3 वर्ष पहले गणेश चतुर्थी के दिन की थी। धीरे धीरे सेवा कार्य में लोग जुड़ते चले गए। प्रतिदिन गौ माता को 10 किलो आटे की रोटी खिलाई जाती है। जैन खुद अपने हाथों से गाय को रोटी खिलाने के बाद उन्हें प्रणाम कर आगे बढ़ जाते हैं। जैन अपने स्कूटर पर थैलियों में रोटियां लेकर मोहल्ले मोहल्ले गायों को रोटी खिलाने जाने लगे थे। स्कूटर खराब होने पर यही क्रम साइकिल से जारी रखा गया। एक पढ़े लिखे प्रोफेसर को इस तरह साइकिल से गायों को रोटी बांटते हुए देखने के बाद लोग हंसने लगे, लेकिन जैन ने कभी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया और सेवा का यह कार्य जारी रखा। 3 साल बाद आज यह हालात है कि सेवा कार्य में कुल 39 लोग मासिक रूप से तथा कुछ लोग वार्षिक रूप से आर्थिक सहयोग दे रहे हैं। अब तो कई गायें तो अब उनकी गाड़ी का हॉर्न सुनते ही उनके पास आकर खड़ी हो जाती है। ये गो सेवा के बारे में बताइए आप। 2 वर्ष पहले जब गणेश मंदिर के पास में मैंने देखा कि गौ माता की स्थिति और नंदी महाराज की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा भगवान गणेश जी ने मुझे बुद्धि दी कि इन गौ माता के लिए, नंदी महाराज के लिए कुछ किया जाए। मैंने अपनी भावना अपने बहुत सारे भाई लोगों को, सामाजिक बंधुओं को बतलाई। उन्होंने मेरी बात को गौर से सुना और उसके बाद इस आयोजन की शुरुआत करी। प्रातः स्मरणीय आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी भी 1995 में जब यहाँ खातेगांव नेमावर में आए थे, तब नेमावर में प्रवचन के दरमियान उन्होंने कहा था कि गोधन बचाओ देश बचाओ, मांस निर्यात बंद करो देश बचाओ का नारा दिया था। उनका आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन से भी इस प्रेरणा को मुझे करने में बहुत ज़्यादा शक्ति मिली है। भाई साहब, कितने किलो आटे की रोटियां बनती है और कितनी गांवों को खिला देते हैं एक दिन में? ये 10 किलो आटे की रोटियां प्रतिदिन बनती है। पूरा जन सहयोग से 36 मेंबर्स जुड़े हुए हैं जो 500 रुपये प्रति माह का योगदान अपना देते हैं। और रोटी तो खैर गिनने का मुझे इतना समय नहीं मिल पाया है, पर यह है कि काफ़ी संख्या में गौ माता और नंदी महाराज को प्रतिदिन 2, 3, 4, 5 जैसी उनकी स्थिति रहती है उस हिसाब से मैं उनको रोटी खिलाते जाता हूँ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।